तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो सोचा आप लोगों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि मुझे कि सर सिलेबस में ये तो समझ आ गया, सिलेबस आ गया है, बट सर एक प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं क्या चीज़ें कट हुई हैं और क्या चीज़ें रह गई हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि जो उन्होंने हमें पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें हर चीज़ नहीं पता चल रही। तो सोचो आपको क्यों नहीं बता दूं। यार देखो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का तीनों का बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कट हुई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कल को आप पढ़ने बैठे तो वो चीज़ ना पढ़ो जो पेपर में आनी ही नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को कंप्लीट देखना, 5-7 मिनट के 10 मिनट के जो भी वीडियो होगी उसमें आपका हर चीज़ इलेबोरेट कर लूंगा। और हाँ, बस वीडियो को देखना नहीं है, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि नोट करते जाओ कि क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं ताकि कल को वापस ये ना भूल जाओ। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठो और देखो क्या क्या चीज़ें डिलीट होगी। मैं जल्दी से स्मॉल वे में आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें कट हुई हैं। तो पहले अकाउंट्स का देखते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का भी हम देखेंगे। पहले अकाउंट्स पे आते हैं। देखो अकाउंट्स में बात की जाए तो आपके अकाउंट्स में 1, 2, 3, 6 चैप्टर्स आपके बेसिकली आ रहे हैं। 6 का मैं 7 बोल सकता हूँ क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल्स इसमें गुडविल भी इंक्लूड है। तो बेसिकली क्या क्या कट हुआ मैं आपको बता दूँ, जल्दी से देखते हैं। आओ पहला आपका जो है बेसिकली पार्ट ए जो होता है आपका, पार्ट ए वाली बुक जो है, ठीक है, पार्टनरशिप वाली बुक जो है, उसमें आपका पहला है फंडामेंटल जो आ रहा है। अब उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल्स दिए, बच्चे मुझे मैसेज पर तुम्हें पता है क्या बोल रहे हैं, सर गुडविल आएगा नहीं आएगा। भाई गुडविल भी आएगा, फंडामेंटल्स में ही है गुडविल, तो गुडविल भी आ रहा है, तो फंडामेंटल्स और गुडविल आ रहा है। अगला चेंजिंग पीएसआर मतलब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें एक चीज कट हो गया। इसमें क्या क्या आ रहा है एक चीज बता दूं आपको, इसमें बाकी चीजें तो सब ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज हो रही थी, इसमें रीवैल एंड बैलेंस शीट आ रही है। जी हाँ वो आ रही है, ठीक है, उसमें रिवेल भी आ रहा है, बैलेंस शीट भी आ रही है, रिवेल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी आ रही है। एक चीज नहीं आ रही वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये नहीं आ रहा आपका किसमें, चेंज इन पीएसआर में, ठीक है। तो इसमें चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कट हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर पूरा आ रहा है, फंडामेंटल्स वाला, गुडविल वाला पूरा आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है, बस एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कट हुआ है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे आते हैं, यहाँ पे एक अच्छा चेंज देखने को मिला है, वो क्या है बेसिकली, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट तक ही आ रहा है, सिर्फ वहीं तक, मतलब सर बाकी सारा कट हो गया उसका आगे। जी हाँ, मतलब क्या क्या कट हुआ समझ लो, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मैं पीएस कैपिटल लिख रहा हूँ, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कट हो गया है आपकी, इसमें बैलेंस शीट कट हो चुकी है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि तो मैं अभी बोल भी रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये तीनों टॉपिक कट हो चुके हैं। तो यार एडमिशन ऑफ पार्टनर में काफी चेंजेस हो चुके हैं, आपको एक जनरल एंट्री रह गई है और रिवेल्यूशन अकाउंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तक हमारा हो गया, ये तो हमारी थी पार्टनरशिप की बुक, इसमें बस ये 3 चैप्टर्स ही आ रहे हैं। आगे आते हैं हमारी जो कंपनी अकाउंट्स की बुक है, जिसमें आपके शेयर्स और डिबेंचर्स की बात की गई है, उसमें सिर्फ 1 चैप्टर आ रहा है इशू ऑफ शेयर्स, और इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ, इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है, इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ, सारा का सारा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। और जो लास्ट आपका यूनिट पार्ट बी बुक बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो बुक है, उसमें आपका क्या क्या आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आ रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलता है बेसिकली हेड्स और सब हेड्स, जिसको आप मेजर हेडिंग्स और सब हेड्स बोलते हो, ठीक है, तो आपको वो दिखेगा यहाँ पे इस चैप्टर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के होते हैं, और अकाउंटिंग रेशियोज इसमें से भी सारा आ रहा है। तो बेसिकली इन दोनों में सब कुछ आ रहा है, अकाउंटिंग और शेयर्स फुल आ रहे हैं, फंडामेंटल सारा, गुडविल सारा, चेंज इन पीएसआर मैं आपको बता चुका हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कट हो चुका है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट कट हो चुकी है, ये आपका सारा पूरा अकाउंटेंसी का जो सिलेबस डिलीट हुआ है। तो अब आते हैं अगले नेक्स्ट पे जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक बार देख लेते हैं फिर हम बिजनेस पे आ जाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। सो दोस्तों अब देखते हैं हम इकोनॉमिक्स पे क्या क्या चीजें डिलीट हुई है, इसमें थोड़ी नोटिंग और ज्यादा है, चाहो तो आप रिफ्रेशर है जिसके भी आप यूज करते हो आप वो ले लो, साथ में आप उसमें मार्क कर लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान से समझना। यहाँ मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नोटिंग ज्यादा, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, ध्यान समझना। अब बेसिकली होता क्या है, हर रिफ्रेशर में टॉपिक्स बहुत ज्यादा गिवन होते हैं, काफी ज्यादा गिवन होते हैं, सब वीक्योरिटी या जिनकी बात कर लूँ मैं, तो क्या होता है बेसिकली वहाँ पे कि अगर आप सपोज पॉवर्टी चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा दिया होगा जो चीजें आनी भी नहीं है, तो इसलिए जो मैं बोलूँ ध्यान से समझना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उनको टिक करते रहना, ठीक है। आओ देखो पहले मैक्रो पे आते हैं, ठीक है, मैक्रो पे आते हैं, फिर उसके बाद उस पर आएंगे हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आएंगे, और जो मैक्रो है ना उसकी वेटेज थोड़ी कम है और इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी ज्यादा है इस टर्म वन में, ठीक है। आओ देखते हैं अब, इससे पहला है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग ऑलमोस्ट सारा ही आ रहा है, उसमें एक चीज याद रखना
सप्लाई ऑफ मनी जो करोगे M1 ही करनी खाली, और कुछ भी मत करना एक्स्ट्रा फजूल का, कुछ मत पढ़ना, सप्लाई ऑफ मनी पढ़नी है, क्रेडिट क्रिएशन द कमर्शियल बैंक वो पढ़ लेना, उनके फंक्शंस पढ़ लेना बहुत जरूरी है, आरबीआई के फंक्शंस बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से कुछ भी आ सकता है वहां पर, ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और एक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको आगे भी काम आएगा, जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड वाला वहां पर भी आपको काम आना है। तो ये आपका था मनी एंड बैंकिंग में, कुछ खास कट नहीं हुआ और चैप्टर बहुत इजी है, तो प्रॉब्लम मत करना, सप्लाई ऑफ मनी बस ये ध्यान रखना M1 का पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट फुल चैप्टर आ रहा है, कुछ कट नहीं हुआ उसकी भी चिंता मत करना। अब थर्ड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ध्यान समझना इसमें क्या है, मैंने बेसिकली इसको दो में डिवाइड कर दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में ऐसा ही गिवन होता था, सोचा आपके लिए ईजी बन जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ओनली मीनिंग, ओनली कॉम्पोनेंट, दैट्स इट, या मीनिंग और कॉम्पोनेंट्स पढ़ लेंगे, जैसे कॉम्पोनेंट्स में आते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो बस, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजूल का टाइमेशन की जरूरत नहीं है। फॉरन एक्सचेंज रेट आएगा, फॉरन एक्सचेंज रेट इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ मीनिंग पढ़ो, वो भी किसका, फिक्स रेट, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग, बस चैप्टर आपका खत्म, इतना ईजी कर दिया सिलेबस मैक्रो का, और तो मैक्रो की वेटेज भी कम है, स्टिल सिलेबस भी इनका कम है, ठीक है। तीन चैप्टर से आपको बता दें, गवर्नमेंट बढ़ पूरा है, लेकिन छोटे से ये मनी बैंक भी कुछ आपको बता दें क्या चैप्टर है, और बैंक ऑफ पेमेंट आपको बता दिया मैंने किसमें कैसे इन्होंने चीजें की हैं। अब आते हैं मेजर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, वहां पर आपको बताता हूँ कैसी चीजें करनी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, जिसमें आपके तीन चैप्टर्स आ जाते हैं, एक सेकंड में फोन भी खोल लूँ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे इसमें आपके आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपका इंडियन इकोनॉमी आ गया, और आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, वो आपको सारा पढ़ना है, उसमें कोई चीज नहीं छोड़नी है। लास्ट ईयर क्या होता है, बेसिकली डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका था, GST का कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका था, इस साल वो भी इंट्रोड्यूस किया हुआ इसमें है, तो गलती से भी ऐसे मत करना कि छोड़ दो क्योंकि लास्ट ईयर कट हुआ था, नहीं जी ये नया सिलेबस है, यहाँ पे चीजें नहीं हुई कट, तो आपको क्या करना है, इसमें GST भी पढ़ना है, डिमोनेटाइजेशन भी पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में, तो आप समझो पूरा ही आपका चैप्टर आ रहा, कुछ कट नहीं हुआ। अगला, अब ध्यान सुनना, अब अगला है जो करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकॉनमी, इसमें बेसिकली ये जो यूनिट है इसको तीन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। पॉवर्टी में क्या पढ़ना है, ध्यान सुनो, उससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की होती है और रिलेटिव पॉवर्टी की होती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम कौन कौन से लाएंगे गवर्नमेंट जो है, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, सिर्फ वो करना है, और एक क्रिटिकल असेसमेंट, कहीं बुक में लिखा था क्रिटिकल एवोल्यूशन, बस वो, ये तीन टॉपिक्स हैं पॉवर्टी में से, ज्यादा कुछ भी मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, अभी भी बोल रहा हूँ, इनको टिक करो, जो उनसे बुक को फॉलो करो उसमें टिक करो, चाहे एनसीईआरटी फॉलो करो, चाहे आपको रिफ्रेशर फॉलो करो, कुछ भी। उसके बाद आगे आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, गिन के दो टॉपिक और कुछ भी नहीं है, गिन के दो टॉपिक, कौन कौन सा, एक वो पढ़ना है हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, पीपल रिसोर्स कैसे बनते हैं, छोटा सा टॉपिक है बहुत, और एक रोल पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल का, कि ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बस और कुछ भी नहीं, ये भी बहुत छोटा है। और रूरल डेवलपमेंट पे, जो रूरल डेवलपमेंट जब आप पढ़ोगे समझोगे वहाँ पे की इशूज का एक टॉपिक है, उसमें आपको क्रेडिट एंड मार्केटिंग पढ़ना है, आपको रोल पढ़ना है कोऑपरेटिव्स का और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का, बस। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो इसमें काफ़ी कुछ कट हो चुका है, जो आपका ये पॉवर्टी वाला चैप्टर है ना, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फंक्शन, रूरल डेवलपमेंट, जो आपका ये यूनिट है इन तीनों को मिला के, इसमें काफ़ी कुछ कट हो चुके हैं, लेकिन आपको जो ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ, बल्कि डिमोनेटाइजेशन एंड जो आपका GST था जो लास्ट इंक्लूड नहीं हुआ था, इस साल वो भी इंक्लूडेड है, ध्यान से। और मैं वेटेज भी आपको बता दूं, जो आपकी मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसकी आपकी वेटेज रहेगी बच्चों 18 मार्क्स की, कितने की, 18 मार्क्स की। तो मैक्रो की जो वेटेज आपकी मैक्रो की, वो आपकी 18 मार्क्स की है, और जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वेटेज 22 मार्क्स की, जिसका आपका 40 मार्क्स के पेपर बन जाएगा। इन्होंने ज्यादा वेटेज इसलिए भी डाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, द रीजन बीइंग MCQs है, क्योंकि आपके MCQs पेपर आना, और इसमें जो आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसमें ढेर सारे MCQs बन सकते हैं, ढेर सारे, लेकिन मैक्रो में थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, थोड़ी सी लिमिटेशन, तभी इन्होंने यहाँ पे ऐसे किया। टर्म टू में इन्होंने इसलिए नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड पर डाला है, चैप्टर थोड़े बड़े और MCQ से ज्यादा बेटर रहेगा अगर थ्योरी में आए, और सही किया, बहुत सही किया। तो आओ अब जल्द से बिजनेस स्टडीज पे देख लेते हैं, बिजनेस स्टडीज में क्या क्या कट हुआ, बड़े सिंपल है जो बताऊंगा, ईजी है बिजनेस स्टडीज का, बहुत सही से कट हुआ, अब देख लेना, मजा आने वाला आपको, आओ देखते हैं। पहले आपके बिजनेस स्टडीज में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए के 5 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी का आप बोलो एक ही चैप्टर आ रहा है। आओ पार्ट ए पे देखते हैं, पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ कट नहीं हुआ,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा रहा, कुछ कट नहीं हुआ। और इसी बेस में जो पहले दो चैप्टर्स का कुछ नहीं कट किया, ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि बेस स्टडीज में ना बच्चों के चैप्टर्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। प्लस बच्चों ने जब स्टार्ट किया होगा, सोचो बच्चों ने स्टार्ट किया एक दो महीने लगा के और बाद में चले कैंसिल हो गया, फिर तो ये अच्छा किया पहले दो चैप्टर्स में कुछ भी कट नहीं हुआ है। बिजनेस इन्वायरमेंट पे आते हैं, इन्होंने क्या किया बेसिकली, जो मैक्सिमम सिलेबस लास्ट ईयर कट हुआ था ना बिजनेस स्टडीज का, काफी वही सेम ही है, काफी हद तक सेम ही है। आओ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका एलपीजी खाता कैंसिल हो चुका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये लास्ट ईयर भी कट हुआ था, इस साल भी कट हुआ सेम। अच्छा प्लानिंग में आते हैं, प्लानिंग में लास्ट ईयर कट हुआ था टॉपिक जो बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टाइप्स ऑफ प्लान्स, सेम वही कट हुआ इस साल भी, टाइप्स ऑफ प्लान्स को करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लो ताकि भूलो ना। ऑर्गेनाइजिंग में सारा आ रहा है, एक टॉपिक लास्ट ईयर कट हुआ था, सेम टॉपिक इस साल भी कट हुआ है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस साल भी वो कट हो चुका है। और ये तो आपके पांच चैप्टर बेसिकली हो गए जो आपके मतलब 30 मार्क्स के आएंगे, जो आपका पेपर होगा उसमें 30 मार्क्स की वेटेज होगी इनकी, ठीक है। नेचर सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, और पहले दो में से कुछ कटिंग हुआ, लास्ट के तीन मैंने आपको बता दिए। अब जो आपका पार्ट टू है, पार्ट बी बोलो आप, उसमें आपका एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सिर्फ वही आ रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है, जो कि आपके 10 मार्क्स कंटेन करेगा, 10 मार्क्स का चैप्टर है वो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा आ रहा है। बस उसमें एक चीज कट हुई, ध्यान से समझना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, ये मत पढ़ना कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सारा पढ़ना, नहीं, कहीं यूट्यूब चैनल में दिखा रहे थे कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूरा पढ़ना है, नहीं जी नहीं, ध्यान से वो देखा जाए, वो उन्होंने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज का भी था, तो ये मैंने वीडियो बना दी, एक ही वीडियो में सब चीज कवर कर दी ताकि बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। ये नोट डाउन कर लो, आराम से बैठो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के ग्रुप में, दोस्तों को बताओ, दोस्तों की हेल्प करो, क्या 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 चीजें कट हुई है, वो ना ये ना हो कि वो शुरू हो जाए पढ़ना कुछ और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो भी पढ़ ले जो डिलीट हो चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, कुछ क्वारी रिलेटेड कुछ भी है, बच्चे में से बहुत क्वारीज पूछते हो, आप भी पूछ सकते हो, वहाँ पे कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है प्रॉपर प्लान के साथ कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, क्या टाइम कम रह गया है, क्या आगे अब आप कुछ कर नहीं पाओगे, सर 2-3 महीने क्या होते हैं, सर पूरा पढ़ना टर्म वन का बहुत टाइम है, अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के मैं ला रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको शायद अगले दिन ही मिल जाएगी चैनल पे, तो बने रहना चैनल के साथ, और मैं अच्छे से कवर कराऊंगा आपको सिलेबस, टर्म वन बहुत अच्छे लेवल से करा दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बेस्ट विशेज़।